नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। पहाड़ों पे कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। नए साल से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी ठंडक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि नव वर्ष पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से लोगों की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक शीतलहर और कुछ राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के मुताबिक 31 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का अनुमान जताया है। इसके कारण 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य और कुछ जगह तेज बारिश होने का भी अनुमान जताया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।